जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव शर्मा, गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर दिल्ली में द्वारका मोड़ के नजदीक हम लोग 3 BHK की कीमत में आपको 4 BHK का फ्लैट दें। यकीन मानिए दोस्तों, आज हम आपको जो फ्लैट दिखाने वाले हैं ये शानदार 4 BHK का फ्लैट है जो एल टाइप कॉर्नर का है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि मेन मेट्रो लाइन से जब आप चलेंगे तो आपको कहीं भी टर्न नहीं लेना है, उसी रोड पर आपका ये शानदार 4 BHK का फ्लैट है जो कि एल टाइप कॉर्नर है। 2 बालकनी आपको मिलती हैं, 3 बाथरूम आपको मिलते हैं और इसके अलावा जो इसकी मेकिंग है ये बिल्कुल कमाल की है दोस्तों, आपको ये बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार सी विजिट इस शानदार 4 BHK फ्लैट की। और ये बाहर की गली है दोस्तों जो कि 25 फीट चौड़ी है और ये मेन मेट्रो लाइन से डायरेक्टली आपको कनेक्ट करती है। और आप देख सकते हैं जो एलिवेशन है आपकी बिल्डिंग की ये भी काफी कमाल की है। और चलिए मैं आपको ले चलता हूं अब आपकी पार्किंग की तरफ। ये आपको दोस्तों काफी बड़ी पार्किंग मिलती है और आप देख सकते हैं पार्किंग में अगर फ्लोरिंग की बात करूं तो कोटा स्टोन आपको मिलता है, बीच में व्हाइट मार्बल की जो फिलिंग है, चिप्स की फिलिंग है वो आपको मिलती है। कंप्लीट पार्किंग के अंदर आपको सीलिंग जो मिलेगी अब वो फॉल सीलिंग मिलेगी दोस्तों, और वो भी काफी अच्छे तरीके से डिजाइन की हुई, जैसे कि आप इस पार्किंग में आराम से कोई फंक्शन करना चाहें तो 100-150-200 लोगों तक फंक्शन भी दोस्तों आप यहां पर इजीली कर पाएंगे। कंप्लीट पार्किंग के अंदर आपको टाइल वर्क भी मिलता है, जगह जगह स्विच एंड सॉकेट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहें तो वो भी आप यहां पर लगा सकते हैं। और अच्छी बात क्या है दोस्तों कि बहुत खुली डुली और बड़ी पार्किंग है और सिर्फ 8 फ्लैट है, 8 ही लोगों को यहां पर पार्किंग मिली है। इस तरफ आपका स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस के जस्ट साथ में आपका जो लिफ्ट सेक्शन है दोस्तों वो आपको मिलता है। आप देख सकते हैं लिफ्ट आपके आने से पहले ही वर्किंग है और लिफ्ट बिल्कुल दोस्तों रेडी टू यूज है। तो चलिए मैं लिफ्ट से ले चलता हूं आपके 3 BHK और 4 BHK फ्लैट में, क्योंकि इसमें एक तरफ 3 BHK फ्लैट है और एक तरफ आपको 4 BHK का फ्लैट मिलता है। लेकिन आज जो वीडियो हम शूट करने वाले हैं ये 4 BHK फ्लैट की है। और अब हम आ गए हैं दोस्तों आपके 4 BHK फ्लैट की तरफ। ये हमारी कॉमन लॉबी है, एक तरफ आपको 3 BHK का फ्लैट मिलेगा और एक तरफ आपको 4 BHK का फ्लैट मिलेगा। जो कॉमन लॉबी है ये भी काफी बड़ी रखी गई है, आप देख सकते हैं उसका डिस्टेंस है, ये लगभग दोस्तों 15 फीट की लंबाई है और लगभग 7 फीट की चौड़ाई इसमें आपको मिलती है, यानी कि यहाँ भी आपको काफी ओपननेस मिलने वाली है। तो चलिए अब आपको ले चलता हूँ आपके 4 BHK फ्लैट की तरफ। और अब हम आ गए हैं दोस्तों आपके 4 BHK फ्लैट के अंदर और आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग और कमाल की लुक है आपके इस 4 BHK फ्लैट की। जैसे ही आप एंट्री करेंगे या फिर आपके गेस्ट एंट्री करेंगे तो वो लोग भी दोस्तों देखकर दंग रह जाएंगे कि इतना शानदार काम, इतना अच्छा काम रेयर ही फ्लैट्स में देखने को मिलता है। गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों हमेशा ही क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, तो इस फ्लैट में भी आपको वो क्वालिटी देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं आपके लिविंग स्पेस के बारे में। तो 12 फीट बाय और ऑलमोस्ट 15 फीट का दोस्तों आपका ये लिविंग स्पेस है जो कि काफी वेल डिजाइन्ड है, आपको काफी अच्छा लगने वाला है। आप देख सकते हैं 2 पफ आपको उस तरफ रखे हुए हैं, इस तरफ दोस्तों एल टाइप का सोफा हमने लगाया है, बीच में सेंटर टेबल भी काफी बड़ी लगाई गई है और उसके बाद भी आपको चारों तरफ रोम अराउंड करने के लिए, घूमने के लिए दोस्तों काफी ओपन स्पेस मिल जाता है। पीछे आपको कुल्टिंग वर्क मिलता है दोस्तों, और अच्छी बात यह है कि इस फ्लैट के अंदर ये कुल्टिंग वर्क आपको हम लोग साथ में ही दे रहे हैं, यानी कि आप अगर सेमी फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं तो भी आपको ये कुल्टिंग वर्क साथ में मिलेगा, सिर्फ ये मूवेबल आइटम यानी कि फर्नीचर आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी की सारी चीज दोस्तों एज इज आपको मिलने वाली है। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं आपकी सीलिंग की। तो सीलिंग का डिजाइन भी हमने काफी खास तौर पर डिजाइन किया है। वैसे तो गुरु महादेव रियल एस्टेट की दोस्तों हर बिल्डिंग में हम लोग कुछ डिफरेंट और यूनिक करते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में आपको काफी कुछ यूनिक और डिफरेंट देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं आपके टाइल वर्क के बारे में। तो सतवारियों टाइल्स हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है दोस्तों, इस पैटर्न को सतवारियों पैटर्न बोलते हैं जो कि व्हाइट बेस में है, हाई ग्लोस में है, तो ये भी आपको काफी पसंद आने वाली है क्योंकि इसके साथ जो गेटअप है आपके फ्लैट का वो काफी शानदार आपको मिलता है। और सोफे के ठीक सामने आपको काफी बड़ा टीवी पैनल मिलता है दोस्तों, और इस टीवी पैनल को भी काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। दोनों ही तरफ आपको नीच मिलती है जिसमें अपने डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। जो लुक एंड फील है आपके इस टीवी पैनल की ये काफी अच्छी आपको लगेगी क्योंकि वुडन शेड में और व्हाइट शेड में जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये काफी अच्छा आपको लगने वाला है। बात अगर करें स्टोरेज की तो दोनों तरफ आपको बड़ी बड़ी स्टोरेज मिलती हैं और उसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ भी आपको 4 बड़ी बड़ी ड्रॉर्स मिल जाती हैं दोस्तों, जिसमें काफी सामान आप अपना रख सकते हैं और ओपन शेल्फ भी यहाँ पर आपके लिए
दी गई है। तो टीवी पैनल भी दोस्तों आपको काफी शानदार लगने वाला है, काफी अच्छा लगने वाला है। और जब इस फ्लैट के अंदर आप आएंगे तो इस फ्लैट के अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ये भी आपको काफी अच्छी लगने वाली है। और अगर आपका बजट होगा तो डेफिनेटली आप इस फ्लैट को नहीं छोड़ने वाले। चलिए मूव करते हैं आपकी किचन की तरफ। और यहाँ दोस्तों आपकी शानदार किचन है। और इस किचन की खास बात यह है कि किचन के ठीक सामने आपको लगभग 8 फीट बाय और 7 फीट का ये ओपन स्पेस मिलता है। ये ओपन स्पेस दोस्तों कनेक्ट करेगा आपके किचन के साथ, आपके दो बेडरूम्स के साथ और आपके लिविंग स्पेस के साथ और आपके जो कॉमन वॉशरूम है उसके साथ। इस तरह का ओपन स्पेस आपको बहुत कम फ्लैट्स में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आपकी किचन की। तो किचन आपकी काफी वाइड है दोस्तों, बहुत बड़ी किचन है। अगर हम साइज की बात करें तो लगभग 9 फीट चौड़ी है और अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 10 फीट की इसकी गहराई है। इतनी शानदार और बड़ी किचन दोस्तों आपको इस तरह के 4 BHK फ्लैट में ही देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपका फ्रिज का स्पेस है, स्विचिंग सॉकेट्स आपको मिलता है, पीछे आपको टाइल वर्क मिलता है। तो बड़े साइज का फ्रिज आप यहाँ पर इजीली लगा पाएंगे। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपकी किचन के अंदर जो लुक एंड फील है आपकी किचन की ये भी आपको काफी अट्रैक्ट करने वाली है। और किचन के ठीक स्टार्टिंग में हमने आपके लिए पेंट्री बना कर दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी के स्टील के अंदर जो बास्केट्स हैं वो यहाँ पर लगाई हैं, तो ये भी आपको काफी अट्रैक्टिव लगने वाला है। उसके बाद बात करेंगे आपकी किचन की। तो एल टाइप की किचन आपको मिलती है दोस्तों। और इस किचन में हमने यहाँ पर नैनो पत्थर का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं मोल्डिंग का वर्क आपको मिलेगा। नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको काफी स्टोरेज मिलती है। किचन के अंदर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है, ऊपर आपको चिमनी मिलती है। और इसके अलावा जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट को हमने ग्लास वर्क के साथ डिजाइन किया है जिससे कि गेटअप काफी शानदार आपको लगे और काफी अच्छी फील भी आए जो भी यहाँ पर काम करे। नीचे की तरफ भी आपको काफी स्टोरेज मिल जाती है। आपको जो बास्केट्स मिलती हैं ये प्रीमियम क्वालिटी के स्टील में मिलती है। इसके अलावा जो लाइट वर्क है ये भी काफी कमाल का है। यहाँ पर आपको आपका सिंक मिलता है जो कि हैंडमेड सिंक है दोस्तों, और बड़े साइज का सिंक है। और जितने भी टैप्स आपको मिलेंगे ये भी आपको क्वालिटी के मिलते हैं। इसके अलावा किचन के अंदर ये ओपन स्पेस आपको मिलता है। अगर आप चाहें तो अपना फ्रिज यहाँ भी लगा सकते हैं। किचन की एंट्रेंस पर ही आपको ये डेकोरेशन का वर्क मिलता है, यानी कि आपको जो पार्टीशन दिया गया है ये भी डिजाइनर लुक में आपको मिलता है। और किचन की एंट्रेंस पर आपको जो लाइट्स मिलती हैं जो कि काफी अच्छी एम्बियंस देगी आपको और आपके गेस्ट को। किचन आपने देखी, आपने लिविंग स्पेस देखा दोस्तों। दोनों ही चीजें काफी शानदार हैं, काफी अमेजिंग हैं। और मैं आपको दिखाने वाला हूं आपके बेडरूम, और ये बेडरूम भी आपके काफी बड़े हैं और काफी प्रीमियम फील के साथ आपको मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इसके साइज के बारे में। तो 14 फीट बाय और 10 फीट का दोस्तों आपको ये रूम मिलता है। आप समझ सकते हैं कि 14 फीट बाय और 10 फीट का जो साइज है वो कितना बड़ा साइज होता है। 6x6 का बेड लगाने के बाद भी आपको काफी स्पेस मिल जाता है आपके इस बेडरूम के अंदर। तो दोनों ही तरफ आपको जो वार्डरोब्स है वो मिल जाती है, ओपन स्पेस मिलता है, स्विचिंग सॉकेट्स मिलते हैं, और दोनों तरफ आपको जो ड्रॉर्स है दोस्तों वो भी मिल जाती है। पीछे आपको डिजाइनर वर्क मिलेगा, यानी कि आपको वॉलपेपर मिलेगा। और बेड के ठीक सामने आप देखेंगे कि यहाँ भी हमने आपके लिए एक शानदार टीवी पैनल दिया है। और इस टीवी पैनल के अंदर भी आपको जो स्टोरेज है वो यहाँ पर मिल जाती है। प्रॉपर लाइट वर्क के साथ आपको ये काफी अच्छा लगने वाला है। बात अगर करें सीलिंग की, तो सीलिंग का डिजाइन भी यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट और यूनिक मिलने वाला है दोस्तों। और इस बेडरूम के साथ आपका एक वॉशरूम भी अटैच है, और इस बेडरूम के साथ आपकी अब एक बालकनी भी अटैच है, और यहाँ पर आपको विंडो भी मिलती है, यानी कि विंडो एसी लगाने का प्रोविजन भी मिलेगा दोस्तों। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दी गई है, और इस तरफ आपको जो वॉशरूम है वो मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि परफेक्ट साइज का जो वॉशरूम है वो आपको यहाँ पर मिलता है। रूफ हाइट तक की आपको टाइल्स मिलती है, सारी फिटिंग्स आपको क्वालिटी की मिलती है। और अगर बात करें तो ऊपर आपको एग्जॉस्ट फैन भी लगाकर देंगे। ये है दोस्तों आपका अटैच वॉशरूम। और इसके बाद हम बात करेंगे आपकी पहली बालकनी के बारे में, और ये बालकनी जो आपके इस रूम के साथ अटैच है। ये आपकी पहली बालकनी है जो कि 6 फीट बाय और 4.5 फीट की है। और आप देख सकते हैं दो चेयर लगाकर आप यहाँ पर इजीली बैठ पाएंगे, या फिर अपनी बड़ी साइज की जो वॉशिंग मशीन है वो भी यहाँ पर रख पाएंगे, क्योंकि वॉशिंग एरिया भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरफ आपको टैब मिलता है, पानी निकलने के लिए जगह मिलती है, स्विचिंग सॉकेट मिलता है। और यहाँ भी हमने जो एलिवेशन है उस पर कंप्लीट टाइल वर्क दिया है। इस तरफ आपको स्टील की रेलिंग मिलती है, और साथ में दोस्तों आपको 10 फीट की गली मिलती है। ये आपका पहला बेडरूम था दोस्तों। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और इनके से अगर आपको लगे कि आपके बेडरूम्स में कुछ चेंज आप चाहते हैं नेक्स्ट हमारी बिल्डिंग में, तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर सकें। चलिए बात करते हैं आपके सेकंड बेडरूम की। तो सेकंड बेडरूम भी काफी स्पेशियस है। अगर मैं साइज की बात करूं
तो 11 फीट बाय और ऑलमोस्ट 10 फीट का दोस्तों आपको ये बेडरूम मिलता है। एक तरफ आपको डिजाइनर वॉल मिलती है, तो यहाँ पर अपना जो बेड है वो इजीली आप लगा पाएंगे। इस बेडरूम के अंदर भी आपको काफी बड़ी विंडो मिलती है, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ भी आपको मिलने वाला है। एसी लगाने के लिए स्पेस आपको मिलता है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है आपके लिए एक स्टडी टेबल। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है, या फिर आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं दोस्तों तो उनके लिए भी ये बिल्कुल बेस्ट है। अब बात करेंगे आपके बाकी के दो बेडरूम्स के बारे में, क्योंकि वो दो बेडरूम है दोस्तों वो भी बड़े हैं और काफी अच्छे तरीके से डिजाइन भी किए गए हैं। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपका जो कॉमन वॉशरूम है ये आपको दिखा देता हूँ। कॉमन वॉशरूम के साइज की अगर बात करूं तो 4.5 फीट बाय और ऑलमोस्ट 6 फीट का आपका ये वॉशरूम है, और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी आपको काफी अच्छे लगेंगे। प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स आपको मिलेंगी दोस्तों, एक वॉल आपको हाईलाइट मिलेगी, यहाँ पर आपको वॉल हैंगिंग कबोर्ड मिलेगी, इस तरफ आपको बेडिंग एरिया मिलेगा, और यहाँ पर आपका जो वॉश बेसिन है वो मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए आपको एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं आपके थर्ड बेडरूम के बारे में, और ये थर्ड बेडरूम का साइज भी आपको काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसमें जो साइज आपको मिलेगा ये लगभग 12 फीट बाय और ऑलमोस्ट 10.5 फीट का रहने वाला है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 6x6 का बेड लगाने के बाद आपको काफी स्पेस मिल जाता है। दोनों तरफ आपको वार्डरोब मिलती है, और दोनों तरफ की जो वार्डरोब है दोस्तों ये बड़े साइज की दी गई है। पीछे की तरफ आपको डिजाइनर वॉलपेपर मिलता है, सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिजाइन शानदार मिलता है, और यहाँ पर भी आपको टीवी पैनल दिया गया है, और वो भी ड्रॉर के साथ, यानी कि स्टोरेज के साथ। और इस रूम में भी, क्योंकि दोस्तों एल टाइप का ये फ्लैट है तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, और आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी विंडो यहाँ पर दी गई है। विंडो एसी लगाने का प्रोविजन यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको आपका सेकेंड अटैच वॉशरूम मिल जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि ये कॉमन वॉशरूम है और दो अटैच वॉशरूम आपको मिलते हैं, यानी कि दो बेडरूम के साथ आपका जो वॉशरूम है वो अटैच मिलता है। और इस वॉशरूम के अंदर भी आपको कंप्लीट फिटिंग्स मिलती हैं, रूफ हाइट तक की टाइल्स मिलती हैं, और प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है दोस्तों, क्योंकि बाहर की तरफ है तो आपको विंडो मिलती है, और यहाँ पर अपना एग्जॉस्ट फैन आप इजीली लगा पाएंगे। तो ये आपका थर्ड बेडरूम है, और थर्ड बेडरूम के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपका फोर्थ बेडरूम, और ये फोर्थ बेडरूम भी दोस्तों हमारा बाहर की तरफ है, और ये बेडरूम भी साइज के लिहाज से काफी बड़ा है, 8 बाय और ऑलमोस्ट 10 फीट का आपका ये बेडरूम है। और आप देख सकते हैं इस बेडरूम में भी आपको दो वॉल्स पर डिजाइनर वॉलपेपर मिलने वाला है, काफी बड़ी विंडो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिजाइन यहाँ पर भी आपको काफी अच्छा मिलेगा, और ये जो पोर्शन है दोस्तों इसे भी डिजाइन किया गया है। एक तरफ आपको वार्डरोब मिलती है, और दूसरी तरफ आपको लुकिंग मिरर मिलता है, यानी कि आपको ड्रेसअप होने के लिए प्रॉपर स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। इस तरफ आपकी बालकनी के लिए एंट्रेंस आपको मिलती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बालकनी कैसी है, सेकंड बालकनी, और आपका बाहर का रोड कैसा है। ये आपकी सेकंड बालकनी है, जो कि 14 फीट बाय और 3.5 फीट की है। यहाँ पर भी आपको स्टील की रेलिंग मिलती है, टफन ग्लास मिलता है दोस्तों, कंप्लीट एलिवेशन पर आपको टाइल वर्क यहाँ पर भी मिलेगा, और यहाँ भी आपको वॉशिंग एरिया मिलता है, यानी कि इस एरिया में हमने इसकी विड्थ भी ज्यादा रखी है, और यहाँ पर आपको टैब मिलेगा, स्विचिंग सॉकेट और पानी निकलने के लिए स्पेस भी मिल जाता है। चलिए मैं आपको बाहर की रोड दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों बाहर की रोड, जो कि 25 फीट की है, और ये डायरेक्टली आपको लेकर जाएगी मेन मेट्रो लाइन तक। मैक्सिमम लोगों की जिस तरह की डिमांड रहती है, 3BHK का फ्लैट हो, एल टाइप कॉर्नर का हो, और बड़े बड़े रूम्स हो दोस्तों, तो उसी कीमत में हम आपको ये शानदार 4BHK का फ्लैट देने वाले हैं। इस बिल्डिंग में खास बात यह है कि ये ड्यूअल यूनिट है, यानी कि एक फ्लोर पर सिर्फ दो ही यूनिट है, एक तरफ 4BHK फ्लैट है और एक तरफ 3BHK फ्लैट है। सेकंड खास बात यह है दोस्तों कि ये मेन मेट्रो लाइन से डायरेक्टली आपको कनेक्ट करती है। तीसरी खास बात यह है कि मेन मेट्रो लाइन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, यानी कि अगर आप कन्वेंस के बिना भी जाना चाहते हैं तो आप इजीली मेन मेट्रो लाइन तक जा सकते हैं। पास में काफी बड़ा और शानदार रेपुटेटेड स्कूल है दोस्तों बच्चों के लिए, पार्क आपको नजदीक मिलता है, और इसके अलावा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, तो इजीली आप लोन भी ले पाएंगे। 80-90% तक का लोन आप इस पर ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रोफाइल पर। विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है, और इसके अलावा खास बात यह है दोस्तों कि मूवेबल फर्नीचर के अलावा बाकी सारी की सारी चीजें आपको एज इट इज मिलती हैं। और अब बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत दोस्तों बहुत कम रखी गई है। 3BHK की कीमत पर 4BHK फ्लैट अगर मैंने कहा है तो डेफिनेटली ये उसी कीमत में आपको मिल भी जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, इसके लिए इंक्वायरी आपको करनी पड़ेगी। हम लोग अपनी वीडियोस पर मैक्सिमम फ्लैट्स की कीमत डालते हैं, लेकिन कुछ फ्लैट की कीमत हम लोग नहीं डाल पाते, उसके कुछ इंटरनल रीजंस है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्राइस बढ़ाकर बताएंगे। आपको काफी रीजनेबल कीमत पर ये फ्लैट हम लोग देने वाले हैं, और इसके अलावा इसी बिल्डिंग में साथ में 3BHK का फ्लैट भी है। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लोग उसकी बनाने वाले हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा। जो दोस्त 3BHK का फ्लैट ढूंढ रहे हैं
उनके लिए भी वो एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।